नमस्ते और स्वागत है आपका ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा पर। जो जो भी नई नई माँ बनी है, मैं उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। इतनी खुशी की बात है, इतना प्यारा सा बच्चा हमारे घर में आया है। लेकिन बच्चे जब आते हैं खुशी के साथ आते हैं, बहुत सारे सवाल, और उन सवालों का राइट जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं सुगंधा और मेरे साथ यहाँ पर है डॉक्टर आनंद भट्टर, स्वागत है आपका। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक ऐसा टॉपिक जो कि आई थिंक आपके पास बहुत आता होगा, वो ये है, क्या बच्चों की मसाज करनी चाहिए कि नहीं? बच्चों की मसाज कर सकते हैं, करने में कोई ऐसे बुराई नहीं है। बस मसाज करते समय कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे बच्चे को जब हम मसाज करते हैं तो एक यहाँ पे ट्रेडिशन है, ऐसे मुंह से मुंह फूंकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं करना चाहिए। प्लस कई दाई लोग रहते हैं, वो जोर जोर से पेट ऐसे बजाते हैं। जी, जी, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए मसाज करते समय। तो डॉक्टर, पैदा होते ही मैं दूसरे दिन से मसाज कर सकते हैं बच्चे को क्या? नहीं, मसाज अगर आपको करना है तो हफ्ता 10 दिन बाद चालू करना चाहिए। अच्छा। एकदम नए जब बच्चे जस्ट जन्म लेते हैं तो मसाज करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छा, और अब बात आती है कि चलिए मसाज हम कर सकते हैं, तो ऑयल किस तरीके का इस्तेमाल करें? ऐसे ऑयल ना सुगंधा, कोई भी बंद डब्बे का साफ ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल, जैतून का ऑयल, कोई भी ऑयल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ कुछ ऑयल से कुछ बच्चों को एलर्जी रहती है, तो उस अपन ऑयल को बंद कर सकते हैं और दूसरा ऑयल भी यूज़ करके देख सकते हैं। अच्छा, मतलब वो आपको जनरली नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लग रही है तो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और एक और जो मेरे को दिमाग में सवाल आया वो ये है कि सरसों का तेल गर्मियों में क्या आपको बच्चे को मसाज करना चाहिए? ऐसे सरसों के तेल से मसाज कर सकते हैं जी, पर जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सरसों के तेल से बच्चों को एलर्जी ज़्यादा होती है जी। अगर आपके बच्चों को एलर्जी नहीं हो रही है हाँ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो अगर उस ऑयल से एलर्जी हो रही है तो आप सरसों का तेल अवॉइड कर सकते हैं। और इसी के साथ ना एक और चीज़, एक ट्रेडिशन है हमारे देश में कान में ऑयल डालने का, तो क्या वो एक ठीक प्रथा है कि नहीं? नहीं सुगंधा, कान में ऑयल नहीं डालना चाहिए। अगर हम कान में ऑयल डालते हैं तो अपने जो एटमॉस्फेयर में डस्ट है जी, वो डस्ट जाके वो ऑयल में जाके चिपक जाती है। तो हम अच्छा, जो सोचते हैं कि कान से साफ होगा, वो साफ नहीं होने की बजाय वहाँ डस्ट जमने से और कान में मैल जम जाती है। तो कान में ऑयल डालना अवॉइड करना चाहिए। अनदर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है कि क्या तेल को गर्म करना चाहिए? नहीं, तेल को ऐसे कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ कुनकुना ऐसे तेल रहता है तो बच्चों को सूदिंग लगता है। अच्छा, बस इतनी सी बात। कुनकुने में भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत, और बहुत सारे लोग सेकते भी हैं। मेरे को तो पर्सनली देखिए डॉक्टर जब करा तो मैंने तो मना कर दिया, तो इज़ दैट अ गुड आइडिया? ऐसे सेकना रिकमेंडेड तो नहीं रहता है। अच्छा। बट अगर आप सेकते भी हैं तो बहुत हल्का आँच, हल्के उसे सेक सकते हैं, बट अगर ऐसे जरूरी नहीं है कि बच्चे को सेकना ही चाहिए। चलिए, तो मतलब हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, हमने देख लिया कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या मसाज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मसाज बिल्कुल करनी चाहिए, और सातवां आपको कुछ हिदायतें दी हैं डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कि आप वो चीज़ें नहीं करिए, बच्चे को बहुत तेज़ मारिए मत, साथ साथ फूकिए मत, ये सब अगर चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा उस मसाज को इंजॉय करेगा, ना कि उससे दुखी होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपका बच्चा जो आया है आपकी लाइफ में, आप उसको खुशी दें, और ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी खुश होंगे अपने बच्चे के साथ। वेल, ये थी हमारी एक कोशिश ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा के जरिए, जहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दें मसाज के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पर, लाइक कीजिएगा फेसबुक पर, और फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए ग्लैमिस्ट्री बाय सुगंधा। नमस्ते। नमस्ते।